क्या गेम्स खेलते हो आप लोग? कैरम, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी? हाँ, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो एक राजस्थान की आपको मैं बहुत ही जानी मानी और प्रचलित कहानी है, उसको मैं सुनाती हूँ। सुनने को तैयार हो? यस मैम। तो एक हिरनी थी जो हमेशा अपने वादे पर कायम रहती थी। जो उसने कह दिया उसके लिए वो पत्थर की लकीर था। उसकी प्रतिबद्धता मीनिंग कमिटमेंट जो था, एक शिकारी के मन में भी दया पैदा कर दी। आज मैं आप सबको उसी की एक कहानी सुनाती हूं। ओके? सो एक थी हिरनी, सीधी सादी और भोली भाली और जबान की पक्की। जैसी नेक हिरनी वैसे ही उसका पति हिरन और दो उनके खूबसूरत बच्चे भी थे। एक दिन की बात है, हिरनी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक झरने के पास जाके पहुंची। वहां एक निर्दयी शिकारी तीर कमार तान के खड़ा हुआ था। उसे देखकर एक बार तो हिरनी चौंक गई, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं क्योंकि बहुत बहादुर थी। वो शिकारी की ओर मुस्कुराई और बेफिक्र होकर बोली, मेरी ओर तीर करके क्यों खड़े हो? मासूम हिरनी जो थी उसने यह बात बहुत ही आत्मविश्वास और विनम्रता से के साथ कहा। शिकारी भी एकदम सोच में पड़ गया कि हिरनी डरने के बजाय मुझसे निडर होकर कैसे बात कर रही है। सो बिना माने पूरी तरह से बिना डरे हिरनी बेखौफ होकर झरने से पानी पीने लगी। शिकारी टकटकी लगाकर पानी पीते हुए हिरनी को देखता रहा। पानी पीने के बाद हिरनी पूंछ हिलाते हुए शिकारी के पास आई और मासूमियत के साथ उससे पूछा, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तो नॉर्मली कोई पूछता तो है नहीं, डरता है। पर शिकारी फिर बोला, मेरे बच्चे 3 दिन से भूख के मारे बिलख रहे हैं। उसका भी कारण था, मुझे पिता का धर्म निभाते हुए उनकी भूख शांत करनी है, वरना वे मर जाएंगे। ये बात हिरनी ने जब सुना तो उसका भी पूरा बेचारे का दिल भराया, वो भावुक हो गई। भरी आंखों से उसने शिकारी के से कहा कि जैसे मेरे बच्चे वैसे ही तुम्हारे बच्चे, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने बच्चों को दूध पिला आऊं। बच्चों और मेरे पति से अलविदा माने गुड बाय करके आ जाऊं, उसके बाद तुम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मेरा शिकार कर लेना। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को हंसी आ गई और कहने लगा, मैं तेरे झांसे में आ जाऊं ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूं। हिरनी मजबूती के साथ बोली, मेरे वादे पर कोई विश्वास न करे ये मेरे लिए मौत से भी बदतर है। शिकारी को लगा कि हिरनी की बात में कुछ सच्चाई है, उसने हिरनी पर विश्वास किया और जाने दिया उसे अपने बच्चों को और बच्चों के पास और पति के पास थोड़ी देर के लिए। मां हिरनी ने शिकारी की बात अपने बच्चों को सुनाई तो उसके बच्चों ने दूध पीने से साफ मना कर दिया। बच्चों ने अपनी हिरनी माँ से एक बहुत ही गहरी वाली बात कही, उस पर गौर करना, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने कहा, माँ अब तू किसी के वचनों से बंधी हुई है, इसलिए तेरा दूध भी तेरा नहीं रहा, वह तो वचन के साथ ही उस शिकारी का हो गया है। आंखों में आंसू लिए हिरनी अब अपने पति को अलविदा कहने लगी। तो पति हिरन बोला, वादा तू करे या मैं, तेरा वादा निभाने के लिए शिकारी के पास मैं चला जाता हूं। तू बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लेना, लेकिन इस बात पर न तो बच्चे राजी हुए और न ही हिरण और हिरनी माने। अंत में सब शिकारी के पास चल दिए। इंतजार कर रहे शिकारी ने हिरनी के साथ 3 और हिरणों को आते देखा तो उसका माथा ठनका। वो हिरनी पर आंखें निकालकर बोला,
मैं जानता था कि तू मेरे साथ धोखा करेगी। शिकारी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हिरनी ने पूछा, क्यों, इसमें धोखे की क्या बात है? ये तो मेरे बच्चे और पति हैं, जो कि तुम्हारा वचन निभाने के लिए मेरे साथ आ गए हैं। अब तुम हम चारों का शिकार कर लो, ताकि कई दिनों तक अपने बच्चों का तुम पेट पाल सकोगे। ये सुनकर शिकारी का मन पसीज गया। वो बोला, अपने बच्चों की खातिर मैं तेरे बच्चों को कैसे मारूं? तूने वचन निभाया तो तुझ पर और तेरे पति पर तीर कैसे चलाऊं? हिरनी जिद करती हुई बोली, तेरे बच्चे बिलख रहे होंगे, तू कमान पर तीर चढ़ा तो सही। शिकारी कांपते हाथों में हाथ कांपते हुए उसने बेमन के साथ तीर चढ़ाते हुए बोला, तीर चढ़ाने से क्या होगा, अब मेरे हाथों में तो वो ताकत ही नहीं रही। और आखिर में शिकारी हिरनी के वचनों के आगे हार गया और उन्हें छोड़कर चला गया। हिरनी ने उसे बहुत आवाज लगाई, रुको, मैं और मेरा परिवार तुमसे किया वादा निभाने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन शिकारी नहीं रुका। तो बच्चों, आप देखो, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जो अपने वचनों पर कायम रहता है, उसे क्षणिक परेशानी भले ही आ जाए, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। मैं रामायण के एक दोहे के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, और आप में से कुछ ने इसको सुना होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, सुना है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह है कहानी, और इस चीज को मैं समझती हूँ कि अपने को सबको याद रखने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक पाठ सीखने को में हमको मिलता है, और आप लोग करोगे तो अपनी जिंदगी में कभी दुख न पाओगे। मैं भारत सरकार को विद्यांजलि योजना के शुभारंभ पर बधाई देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के द्वारा आम जनता को सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ सीधे सीधे जुड़ने का एक नया अनुभव होगा। बच्चों में अपनी किताबों के अलावा कहानी, कविता, पत्रिका, अखबार, ये सब पढ़ने की एक आदत पड़ेगी। मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम से जुड़ें, और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन सबका साथ सबका विकास, इसमें भागीदार बने। हमारे स्कूल में तरह तरह के बड़े लोग आएंगे, वो हमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हमें किताबें पढ़ाएंगे और कहानियाँ सुनाएंगे, और ये सब जान के हमें बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनना, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि अगर कोई हमेशा आके हमें बाहर से कहानी सुनाए तो।